गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द सेशन। तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोग बेसिकली डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, तो हमने प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल देखा था। ठीक है, तो आज हम उसको थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे। ठीक है, एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, तो अभी हम डिफरेंशिएशन ऑफ सम स्पेशल फंक्शंस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे। ठीक है, इसमें कुछ चीजें जनरली आपको याद रखनी पड़ती है। जो चीजें मैं बोल रहा हूँ वो आपको याद रखनी है, और उसके बाद उसको यूज करके कैसे प्रोडक्ट रूल और यू नो डिविजन रूल कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी यूज करके बना सकते हैं, वी विल सी दैट। ठीक है, तो ट्रिगो फंक्शन का डिफरेंशिएशन सबसे पहले देखो, मैं कुछ रूल्स लिखता हूं, ये आपको याद रखना है। d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अगर मैं करता हूं, ये होता है cos x, ये आपको याद रखना है। अगर आप ये भूल गए तो डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आप फंसोगे। तो आपको ये याद रखना है, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू cos x, पहली चीज जो आपको याद रखनी है। दूसरी चीज है d बाई डी एक्स ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, d by dx of tan x, d by dx of tan x is equal to sec square x, d by dx of cot x is equal to minus cos x square x। ठीक है, फिर है d by dx of sec x is equal to sec x into tan x, and last d by dx of cosec x is equal to minus cosec x into cot x। ये जो rules मैंने लिखाए हैं, d by dx of sin x is equal to cos x, d by dx of cos x is equal to minus sin x, d by dx of tan x is equal to sec square x, d by dx of cot x is equal to minus cosec square x, d by dx of sec x is equal to sec x into tan x, d by dx of cosec x is equal to minus cosec x into cot x। ये आपको रट लेने हैं, ये सारे रूल्स जो हैं ये आपके रटे हुए होने चाहिए, और फिर इनको यूज करके हम और प्रॉब्लम्स बनाएंगे। अब इसमें से कुछ मैं आपको हेल्प करूंगा प्रूव करने में, आई विल टेल यू विच वन ऑफ दिस। तो ये पूरा जो है ये आपको रट लेना है, रट लो। ठीक है, ये पूरा रट लेना है, d by dx of sin x क्या होता है, d by dx of cos x क्या होता है, d by dx of tan x क्या होता है, ये पूरा रटना है। अब इसमें से कुछ मैं आपको हेल्प करता हूं सॉल्व करने के लिए। जैसे कि इसमें d by dx of tan x जो है, ये अगर आप देखोगे d by dx of tan x, चलो मिलके करते हैं, ये सबने लिख लिया क्या, एवरीबॉडी इज रिटन इट डाउन, सबने लिखा, कॉपी में लिखो, ये सब लोग लिखो। सब लोग लिखो, लिख लिया, डन, सबने लिख लिया। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखो d by dx of sin x equal to cos x, मेरे को जैसे याद है आपको याद होना चाहिए, d by dx of sin x cos x, d by dx of cos x minus sin x, d by dx of tan x equal to sec square x, d by dx of sec x equal to cot x equal to minus cos x, d by dx of sec x equal to sec x into tan x, d by dx of cot x cos x equal to minus cos x into cot x। तो ये सारे रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। अभी इन सब में सुनना ध्यान से, इन सब में ये जो दो हैं ये सुपर बेसिक है, ये तो याद होना ही चाहिए। बाकी अगर आप कहीं फंसे तो आप क्वोशेंट रूल या डिवीजन रूल लगा के आंसर ला सकते हो। लेट मी हेल्प यू हाउ। देखो d by dx of tan x, लेट मी गो टू द नेक्स्ट पेज, फील करना। आपने कल डिवीजन रूल किया था, तो इफ आई सी d by dx of tan x, इसको ध्यान से देखो, क्या d by dx of tan x को मैं लिख सकता हूं d by dx of sin x upon cos x, एवरीवन लिख सकता हूं क्या? अब मैं आपको जो बोल रहा हूं आप करोगे और रिजल्ट प्रूफ करोगे। इसको u मानो और इसको v मानो, एंड देन अप्लाई विच रूल, डिविजन रूल। डिविजन रूल अप्लाई करके आप इसको सिंप्लीफाई करके प्रूव करो कि इसकी वैल्यू
sec स्क्वायर x के बराबर होती है। सब लोग ट्राई करोगे। कल ही आपने डिवीजन रूल किया था ना, अब sin x को u मानो, cos x को v मानो एंड डिवीजन रूल लगाओ। सब लोग करोगे, खुद से करोगे एंड प्रूव दैट d by dx ऑफ tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। चलो शुरू हो जाओ फास्ट, ये बेसिक चीज आपको करनी आनी चाहिए, क्विकली करो सब लोग। पूरा मैकेनिकल है, अभी दिमाग लगाना शुरू नहीं हुआ है, दिमाग लगाना आएगा, ये सब मैकेनिकल प्रोसेस है। खड़ाकट आंसर बोलो। क्या सब लोग आंसर ला पाए? अगर आप sin x को u मानोगे और cos x को v मानोगे, कल आपने डिवीजन रूल किया था, इसका रिजल्ट क्या आता है? v into du, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, v into du by dx minus u into dv by dx upon v square, right? तो इसको लिखते हैं v, v is cos x into d by dx of sin x minus sin x into d by dx of cos x divided by cos square x, यही आएगा। लेट्स राइट डाउन, cos x आया, d by dx of sin x, अभी हमने इसको रटा है, d by dx of sin x सर ने बोला है cos x होता है, यूज करें। हेलो गाइस, सॉरी देयर वाज सम प्रॉब्लम विद द नेट टुडे, एक्चुअली आई एम इंटरमिटेंटली फेसिंग इश्यूज टुडे, आई एम सॉरी,
सो लेट्स स्टार्ट. ऑल ऑफ यू कैन हियर मी प्रॉपरली. सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? देयर इज सम प्रॉब्लम विद द नेट गाइस. टुडे आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यू विद द नेट. आई एम सॉरी फॉर दैट. ओके ओके सो विल स्टार्ट नाउ. सो यू सॉ दैट डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, इसको मैंने कैसे sec स्क्वायर x के बराबर होता है ये मैंने कैसे प्रूव किया, राइट? ऑल ऑफ यू कैन हियर मी प्रॉपरली, राइट? यस. सो डी बाई डी एक्स ऑफ 10x कैसे ये sec स्क्वायर x के बराबर था ये मैंने आपको दिखाया. अब आप देखो ध्यान से. I hope everybody has written it down. All the सारे formula आपके पास हैं. एक और example लेते हैं. याद करो मैंने आपको बोला था d by dx of sec x is equal to sec x into tan x होता है, right? क्या आप इसको प्रूव कर सकते हो by using division rule? Division rule कैसे, sec x को कैसे लिखोगे बोलो? क्या आप इसको लिखोगे d by dx of 1 upon cos x? क्या 1 को u मानोगे और cos x को v मानोगे? क्या 1 को u मानोगे और cos x को v मानोगे? Try to do it and prove that d by dx of sec x is equal to sec x into tan x. सब लोग करो d by dx of sec x is equal to sec x into tan x. प्रूव करो डिविजन रूल से. डिविजन रूल मैंने कल ही आपको बताया था, तो इफ यू आर एबल टू अप्लाई इट, गुड. अदरवाइज मैं हम लोग मिलके करेंगे. वैसे आपको करना आना चाहिए, सिंपल है, कोई खास बात नहीं है. करें d by dx of 1 upon cos x आपने लिखा, तो इसकी वैल्यू आएगी, मैं फिर से लिखता हूं सबके अंडरस्टैंडिंग के लिए. इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी v into du by dx minus u into dv by dx upon v square. Yes or no? Yes. आइए v into du by dx, it will be cos x into d by dx of 1, ठीक है, minus 1 into d by dx of cos x divided by cos square x. आइए इसको क्या लिखे, d by dx of 1, क्या constant का differentiation 0 होता है? ये part 0 हो जाएगा, cos x into 0 is 0. माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस ऑफ साइन एक्स, समझ में आया, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स. सो यू गॉट समथिंग लाइक साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स. ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स इज टेन एक्स और वन बाई कॉस एक्स इज सेक एक्स, तो इट इज सेक एक्स इंटू टेन एक्स. दिस इज वॉट यू आर गेटिंग, दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स. तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स. ये प्रूव हो गया. तो फिर से मैं आप सबके बेनिफिट के लिए एक बार मिलके लिखेंगे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले. अब आप इसको यूज करेंगे, ठीक है, फिर से. सो डी बाय डी एक्स ऑफ, मेरे साथ बोलते भी चलो और लिखते भी चलो, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स. ये मस्ट रिमेम्बर है, यहां पे फंस गए तो आप कुछ नहीं कर सकते. ये मस्ट रिमेम्बर है, डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स is equal to minus sin x. ये must remember है, ये नहीं भूल सकते. इसको भी आप लोग प्रूव करना सीखोगे कैसे ये आता है, बट वो मैथमेटिक्स में सीखोगे, ठीक है. इसको अब यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है, हमें ये याद रखना है. अब अगर मैं बोलूं d by dx of tan x, अगर आप ये भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल सकते हो. बट अगेन क्वेश्चन इज दैट निकालने का हमारे पास टाइम है क्या? नहीं. तो ये मस्ट रिमेम्बर मैं सजेस्ट करूंगा, लेकिन पूछे अपने आप से, अगर आप ये भूल गए तो यू कैन डिराइव ऑल्सो बाई यूजिंग विच रूल डिविजन रूल, राइट. उसके बाद देखें डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स. यस, एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स
तो ये कितना आएगा, दिस वन विल बी sec x इंटू टेन एक्स, फिर d बाई डी एक्स ऑफ cosec x, ये क्या होगा, इट विल बी माइनस cosec x इंटू cot x। अगेन क्या ये मस्ट रिमेंबर है, मैं सजेस्ट करूंगा कि ये याद होना चाहिए, लेकिन मान लो अगर किसी बच्चे को ये याद नहीं है और वो भूल गया, तो he or she can derive it by using again which rule, division rule। Again ये must remember है but साथ ही साथ can be derived, ठीक है। And last one is d by dx of cot x, so d by dx of cot x होता है minus cos x square x, again must remember है ये but it can be derived also, ठीक है। तो अब इसमें देखो ये दो में कोई हमारे पास स्कोप नहीं है, अगर हम भूल गए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आपको ये दो तो मस्ट याद रखनी है, लेकिन इसके साथ साथ बाकी सब सजेस्टेबल है कि ये याद रहे, जितना ये याद रहेगा उतना फास्ट आपका कैलकुलेशन होगा, अदरवाइज आप बेसिक में उलझ जाओगे, डेरिवेशन करते करते वो सब में उलझ जाओगे, आप मैथ्स में उलझ जाओगे, आप फिजिक्स नहीं कर पाओगे, क्या क्लैरिटी है ये। तो बेटर है कि ये सारे फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन है ये हमें याद रहे, क्या क्लैरिटी है ये, बोलना पड़ेगा दोस्तों, क्या क्लियर है एवरीवन, याद रहेगा। जिसको भी मान लो मेरे लेक्चर्स उसने पुराने वाले डिफरेंशिएशन के नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर्स वो देखें और प्रिपेयर होके आए, ठीक है, सब समझ में आएगा। हाउ डिड वी डिराइव द फर्स्ट टू, दैट इज समथिंग नोन एज अब इनिशियो मेथड, तो आपको वो समझ में आएगा जब आप मैथ्स करोगे, ठीक है ना, वो हमारे स्कोप में नहीं है, मींस वी डोंट रिक्वायर इट एज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स कि हाउ वी आर डिराइविंग इट, ठीक है, इसलिए मैं उस पर डेल्व नहीं करूंगा। आपको अगर जानना है तो आप बेसिक डिफरेंशिएशन की जो बुक है आपके स्टैंडर्ड 12th की, उसको उठा के देख सकते हो, लेकिन उसके अंदर लिमिट्स आ जाएगी, ठीक है ना, कैसे इसको डिफरेंशिएशन को डिफाइन करते हैं, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगता है, फिर उसके अंदर अप्रोक्सीमेशन डालते हैं और फाइनली वो रिजल्ट आता है, ठीक है, बट वो अब इनिशियो मेथड है, वो हम फिजिक्स में फिजिक्स के एंगल से वो हमें समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। याद रखना मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये मैं क्यों करा रहा हूँ, ताकि आपको बेसिक मैथ्स आए फिजिक्स करने के लिए। अब ये सब चीजें आप स्टैंडर्ड 12th में करोगे, क्या तब तक हम अपना फिजिक्स का कार्यक्रम बंद कर दें क्या, क्योंकि ये पहले ही चैप्टर में आने वाला है, तो हमें उसके लिए करना पड़ता है, ठीक है। कैसे डिराइव हुआ, अगर आपको जानना है तो आपको लिमिट्स पढ़ना पड़ेगा, लिमिट्स का क्या एप्लीकेबिलिटी है, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये मैथ्स का डिटेल्ड पार्ट है, वो हमें समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आप मैथ्स लेके आगे पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप ये सब चीजें भी देखोगे, ठीक है। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड दिस, क्या ये समझ में आया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ सम स्पेशल फंक्शंस, डिफरेंशिएशन ऑफ स्पेशल फंक्शंस। अब ये स्पेशल फंक्शंस क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक है डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, so d by dx of e to the power x, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन होता है e to the power x, ठीक। दूसरा d by dx of ln x, ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1 upon x, so डिफरेंशिएशन ऑफ e to the power x is e to the power x only, ठीक है, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ln x is 1 upon x। तो ये कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं जिनके डिफरेंशिएशन हमें आने चाहिए और हमसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना, यूज होगा इनका फिजिक्स में, इनका यूज है, e to the power x भी यूज होता है, ln x भी यूज होता है, तो इसीलिए फिजिक्स के एस्पेक्ट से हमें ये समझना चाहिए। तो ये कुछ स्पेशल फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन ऑफ e to the power x is e to the power x, डिफरेंशिएशन ऑफ ln x is 1 upon x, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, differentiation of e to the power x is e to the power x and differentiation of ln x is 1 upon x, ये कुछ special functions है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने differentiation of trigonometric function देखा, हमने differentiation of special functions देखा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो भी rule हमने सीखा है, कौन कौन से rule हमने सीखे हैं समझो, मैं आपको help करता हूँ। देखो अभी तक अगर आप देखोगे हमने क्या important rule पढ़ा, हमने पढ़ा addition and subtraction rule of differentiation,
फिर हमने पढ़ा प्रोडक्ट रूल, फिर हमने पढ़ा डिवीजन रूल। ये मेजर हमने तीन रूल पढ़े और इसका ही हमें सबसे ज्यादा यूज होता है फिजिक्स में। तीनों रूल, ऐसा नहीं बोल सकते कि इसमें कौन सा सबसे ज्यादा यूज है, तीनों ही हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, तो हमें हमें समझ में आना चाहिए कि एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल कैसे करते हैं। तो अब मैं चाहता हूं कि आपके पास नोट कॉपी है, आप अपने कॉपी में देखो, इससे पहले जब भी हमने एडिशन या सब्ट्रैक्शन रूल किया है, प्रोडक्ट रूल किया है, डिविजन रूल किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शन रखे थे वहां पे। मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, अभी तक जो भी हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल के एग्जांपल लिए, प्रोडक्ट रूल के एग्जांपल लिए, डिवीजन रूल के एग्जांपल लिए, ध्यान से अपने पेज पलटो, कल ही आपने किया है, पेज पलटो, देखो उन सब जगहों पे यू एंड वी के जगह पे आइदर डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी डिविजन रूल लगाया हो, प्रोडक्ट रूल लगाया हो या एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल लगाया हो, हमने हर जगह पे पॉलिनोमियल फंक्शन ही लिए थे। पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब एलजेब्रिक फंक्शन ही लिए थे। लिए थे कि नहीं बोलो, देखो पलट करके देखो, अपने पेज पलट करके देखो। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, नोट्स ही नहीं है, क्या पलटेंगे, हम तो ऐसे ही वीडियो की तरह देख रहे हैं, एज इफ सम मूवी इज गोइंग ऑन, सो वी हैव नॉट टेकन नोट्स, हाउ विल वी नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। डिड यू ऑल गो थ्रू द पेजेस एंड फाउंड आउट व्हाट आई सेड? क्या आपने देखे कि सब जगह पे हम एलजेब्रिक फंक्शंस के ही, इधर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल में हम एलजेब्रिक फंक्शन ही ले रहे थे, हम प्रोडक्ट रूल में भी एलजेब्रिक फंक्शन ही लिए, हमने डिविजन रूल में भी एलजेब्रिक फंक्शन ही लिया था। अब प्रॉब्लम यह है कि ये मैंने ऐसा क्यों कराया, क्योंकि आपको मैंने स्पेशल फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन नहीं बताई थी। अब हम क्या करेंगे कि डिफरेंशिएशन जो हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन रूल है, प्रोडक्ट रूल है, डिविजन रूल है, यहां पे हम किसी भी टाइप का फंक्शन रखें, स्पेशल फंक्शन रखें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखें या एलजेब्रिक फंक्शन रखें, अब हम ऑन टोटैलिटी सभी टाइप के फंक्शन के साथ ये तीन रूल अप्लाई कर सकते हैं, हमारे पास अबिलिटी है। Did you understand what I said? So shall we start now and use any of these three type of functions or a mixture of them to and use addition and subtraction rule, product rule and division rule for getting our answers. Can we go ahead? कोई रेस्पॉन्स नहीं, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। क्या आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? अब मैं सिर्फ एलजेब्रिक फंक्शन नहीं रखूंगा, अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रख सकता हूं, स्पेशल फंक्शन रख सकता हूं, कुछ भी रख सकता हूं, कॉम्बिनेशन रख सकता हूं, एंड यू नीड टू सॉल्व इट। लेट्स मूव अहेड। आइए, सबसे पहले मैं आपको एक सवाल दूंगा, ध्यान से देखना, फील करना। सपोज इफ आई गिव यू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है, करके दिखाओ। तो सबसे पहले बताओ इसमें आपको क्या दिख रहा है? दो फंक्शन, एक फंक्शन है एलजेब्रिक फंक्शन या पॉलिनोमियल फंक्शन और दूसरा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या एक को u मानेंगे और एक को v मानेंगे और कौन सा रूल लगाएंगे यहाँ पे? प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल या सम या एडिशन या सब्ट्रैक्शन रूल, क्या रूल लगाएंगे? प्रोडक्ट रूल लगाओ और आंसर निकालो, लगाओ और आंसर निकालो। क्या करें? एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, आंसर आ जाना चाहिए, प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्या आपका रिजल्ट आ जाएगा? एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। अभी देखा हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन वही होता है, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज टू टू द पावर एक्स, टू एक्स सॉरी। तो आप चाहो तो यहाँ पे e to the power x into x कॉमन ले सकते हो, तो e to the power x into x कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा x plus 2, so this is like x into x plus 2 into e to the power x, ये आ जाएगा आपका रिजल्ट। क्या सबका रिजल्ट आया है? क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या क्लैरिटी है? एक बेसिक राइट काम आएगा। अब ये सब चीजें हम लोग बहुत एक्सटेंसिवली यूज करेंगे, तो थोड़ा बहुत बेसिक बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है? आइए नेक्स्ट। सपोज इफ आई आस्क यू टू डू डी बाई डी वाई ऑफ, ठीक है, सपोज आई गिव यू
इसकी वैल्यू बताओ, वाई स्क्वायर प्लस टू डिवाइडेड बाई ई टू द पावर वाई, ठीक, वाई स्क्वायर प्लस टू डिवाइडेड बाई ई टू द पावर वाई, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, करो, एक मिनट का समय लो। ओके गुड, आया आंसर, गुड। देखो इसको यू मानो, इसको वी मानो, ठीक है, लेट्स गो अहेड, क्या हो जाएगा, वी दैट इज ई टू द पावर वाई इंटू डी बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर प्लस टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू इंटू डी बाई डी वाई ऑफ ई टू द पावर वाई बेसिक अपॉन ई टू द पावर वाई का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ई टू द पावर वाई डी बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर प्लस टू, इफ यू अलाउ मी आई विल राइट डायरेक्टली, ये आ जाएगा टू वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू डी बाई डी वाई ऑफ ई टू द पावर वाई इज ई टू द पावर वाई, और डिवाइड किससे करेंगे, ई टू द पावर वाई का होल स्क्वायर, इट बिकम ई टू द पावर टू वाई। आप चाहो तो ई टू द पावर वाई कॉमन निकाल लो बाहर से, मतलब न्यूमरेटर से, तो न्यूमरेटर से कॉमन निकाल लोगे तो ये हो जाएगा टू वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू डिवाइडेड बाई ई टू द पावर वाई, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। सब लोग चेक करो क्या ये रिजल्ट आया है, टू वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू, टू वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू ई टू द पावर वाई, बिल्कुल सही। ई टू द पावर वाई जो है ना, ई टू द पावर वाई को ऊपर नीचे कैंसिल कर दो, टू वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू, वाई स्क्वायर प्लस टू या माइनस टू, आई थिंक ध्रुव का टू वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू की जगह पे आई थिंक माइनस टू होना चाहिए, चेक कर लो। और आई थिंक मीनाक्षी ने भी सही जवाब दिया है, टू वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू, वो सिर्फ प्लस टू की जगह पे माइनस टू होगा, बाकी सब कुछ सही है। ई टू द पावर वाई कैंसिल नहीं किया है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, वो सिंप्लीफिकेशन है, आई एम अज्यूमिंग यू ऑल नो इट, बट आप शायद कट करने से कतरा रहे थे, आप कट कर सकते हो, ठीक है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, वो सिंपली अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है। क्या क्लैरिटी है सबको, रिस्पॉन्स काम आ रहा है यार, समझ में आई बात, एवरीवन क्लियर है, पक्का, नो इश्यू, राइट, आ जाओ बढ़ो आगे, नेक्स्ट देखो सपोज वी आर हैविंग डी बाई डी जेड ऑफ, सपोज इफ आई टेल यू ln z into e to the power ln z into z square plus 4 करो, डी बाई डी जेड ऑफ एल एन जेड इंटू जेड स्क्वायर प्लस फोर, पहले वाले को यू मान लो, दूसरे वाले को वी मान लो, एंड गो अहेड एंड यूज द प्रोडक्ट रूल।
दो फॉर्म, दो सवाल दिए हैं, खड़ा कर सॉल्व करो। कोई खास बात नहीं है, सिंपल है, घबराओ मत। Anybody got the answer? Try करो, दोनों करो, दोनों करो, दोनों 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 करो, आंसर दो फिर एक साथ। ओके, दोनों करो। आइए, डी बाई डी जेड ऑफ एल एन जेड इंटू जेड स्क्वायर बाई फोर, जेड स्क्वायर प्लस फोर। ठीक है, आइए क्या करें, यू इंटू डी वी बाई डी जेड, तो एल एन जेड इंटू डी बाई डी जेड ऑफ, पूरा लिख रहा हूं मैं, जेड स्क्वायर प्लस फोर प्लस जेड स्क्वायर प्लस फोर इंटू डी बाई डी जेड ऑफ एल एन जेड, दिस इज वॉट वी आर हैविंग। तो ये आ गया एल एन जेड इंटू डी बाई जेड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस फोर इज टू जेड प्लस, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग, जेड स्क्वायर प्लस फोर डी बाई डी जेड ऑफ एल एन जेड इज वन अपॉन जेड। तो ये आ जाएगा टू जेड एल एन जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस फोर बाई जेड। आप चाहो तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, चाहे नहीं चाहो तो मत सिंप्लीफाई करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आपका ये आंसर आना चाहिए। क्या क्लैरिटी है ये, टू जेड एल एन जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस फोर बाई जेड, क्या ये सबको समझ में आया है, क्या क्लैरिटी है ये, जेड स्क्वायर प्लस फोर बाई जेड, क्या क्लियर है, बोलना पड़ेगा दोस्तों, क्या क्लियर है ये, यस। अब दूसरा वाला देखो, दूसरे वाले में अगर आपको देखेगा, आप इसको यू नो सम एंड डिफरेंस रूल एंड प्रोडक्ट रूल दोनों के कॉम्बिनेशन से सॉल्व कर सकते हो, सो वी विल डू इट, मिलके करते हैं, आप में से बहुत से लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा, लेट मी डू इट फॉर यू। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, सब लोग बोले यस, वी कैन राइट इट लाइक दिस, राइट। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एल एन एक्स, तो देखो यहां पे इसको यू मानो, इसको वी मानो, सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स, डायरेक्टली लिख रहा हूं, देखो अगर कंफ्यूजन हो तो बोलना, एल एन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज टू एक्स, ये डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस टू ई टू द पावर एक्स, एक्स टू द पावर माइनस टू का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस टू एक्स टू द पावर माइनस थ्री प्लस एक्स टू द पावर माइनस टू ई टू द पावर एक्स। अब ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स इज एक्स प्लस टू एक्स एल एन एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 2ex e to the power x upon x cube and last one is what, last one is plus e to the power x upon x square, ये आएगा। आप चाहो तो e to the power x upon x square इन दोनों में से कॉमन निकाल के थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, जैसे कि पहले वाले में x कॉमन ले लिया, 1 plus 2 ln x ऐसे लिख लिया, माइनस दूसरे वाले में e to the power x upon x square कॉमन ले लो, इट विल बी टू बाई एक्स माइनस वन, तो आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो। क्या क्लैरिटी है ये, क्या क्लैरिटी है ये, सिंपल, कोई खास बात नहीं है, सिंपल प्रैक्टिस से आ जाएगी, पूरा मैकेनिकल अप्रोच है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बेसिक पता होना चाहिए, खटाखट खटाखट होगा, यस और नो, डू यू ऑल एग्री, रिस्पॉन्स कम आ रहा है, डू यू ऑल एग्री, यस एग्री, कोई इशू नहीं है, हाँ सर समझ में आया, क्लैरिटी है ये, आ जाओ। तो ये थे कुछ स्पेशल फंक्शंस के डिफरेंशिएशन और डिफरेंट फंक्शंस के यूज से किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने देखा, ठीक है। अभी यहां पे एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। अब ये चीज बहुत काम में आती है फिजिक्स में,
इसीलिए थोड़ा सा इसको समझेंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था फंक्शन मतलब क्या, सो आई विल रेस्पॉन्ड टू सम ऑफ द क्वेरीज कि हाउ मच एडवांटेज यू गेट इफ यू स्टार्ट अर्ली। तो एडवांटेज इज इमेंस, इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, आई ऑलवेज से कि ये सब चीजें बच्चे को 9th और 10th स्टैंडर्ड में अगर पता हो, बहुत सारी चीजें। देखो अभी तो ये मैकेनिकल प्रोसेस है, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तो ये पूरा मैकेनिकल प्रोसेस है, अभी डिफरेंस यहाँ पे समझ नहीं आएगा। अगर किसी बच्चे ने इस चीज को, इसका जो एप्लीकेशन और डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है, वो अगर बहुत अच्छे से समझ जाता है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब एप्लीकेशन में मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको पता कैसे चले कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन लगाना है, आपको पता कैसे चले कि यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाना है, ये अगर आपको क्लैरिटी आती है ना, तो आप फिजिक्स में आपको ट्रिमेंडस एज मिल सकता है। ये जो प्रोसेस है अभी जो मैं करा रहा हूँ, इसमें ज्यादा आपको एज नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी बच्चा थोड़ा भी इंटेलिजेंसी है उसमें, वो खटाखट ये मैकेनिकल प्रोसेस कर लेगा, दैट्स नॉट अ बिग डील, वो आप कर सकते हो। आपको एडवांटेज कब मिलेगा, जब आप इसके एप्लीकेशन स्किल्स को समझोगे। जैसे कि याद करो, जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था, मैंने आपको उसके एप्लीकेशन बताए कि एप्लीकेशन में मतलब ग्राफ का एप्लीकेशन टेक्निक मैंने सिखाया आपको, कैसे आप जनरल वैल्यूज बहुत आसानी से बता सकते हो, तो वो एप्लीकेशन स्किल है, उसकी यूसेज आपको फिजिक्स में बहुत जगह देखने को मिलेगी। तो ट्रिमेंडस बेनिफिट्स आर ट्रिमेंडस, बिकॉज मैं बता रहा हूं, आप जितना समय 10th स्टैंडर्ड में देते हो ना, उसका 1/10 समय आपको मिलेगा, 1/10 तो थोड़ा ज्यादा हो गया, मान लो आपने उसका 1/3 समय आपको मिलेगा 12th में, 11th 12th में, और सिलेबस इज मोर देन थ्री टाइम्स। तो आप ये सोचो कि आप इतने मेहनत करके सीबीएसई आईसीएसई में नंबर लाओगे, स्टेट बोर्ड में नंबर लाओगे, फिर आपको पता चला बेटा इतना घिसे, अब इससे तो 3 गुना 4 गुना सिलेबस है और टाइम है उससे 1/3 या 1/4, अब क्या करें। तो बेटर है कि आप इन चीजों को एटलीस्ट इसमें थोड़ा सा आप करते चले। इफ देयर आर 3 फंक्शन इन प्रोडक्ट, हाउ टू डिफरेंशिएट, कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 का ग्रुप बना लो, आप 2 का ग्रुप बना के तीसरा को एक ये कर लो। मैं बताता हूं, चिंता मत करो, वैसे वो मैथमेटिकल पार्ट है, फिजिक्स में उसका यूसेज नहीं है कि 3 फंक्शंस का आप यूज कर रहे हो फिजिक्स में, जनरली फिजिक्स में उसका यूज नहीं है। तो आप मैथमेटिकली अगर जानना चाहते हो तो सेपरेटली मेरे से बात करना, मैं आपको समझा दूंगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट फिजिक्स का यूटिलिटी हम लोग समझ रहे हैं। तो वैसे फिजिक्स में फंक्शंस कम आते हैं कि 3 फंक्शन का आपने मल्टीप्लाई किया फिर उसको कर रहे हो सॉल्व, फिजिक्स में उसका यूटिलिटी नहीं होता। मैं करके दिखा दूंगा 1-2 एग्जांपल आपके मन की तसल्ली के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन मतलब क्या, सुनना, मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, आपको फील आएगी। सपोज आई टेक दिस एग्जांपल, साइन ऑफ, सुनना ध्यान से, साइन ऑफ एक्स, सपोज मैंने ये एक फंक्शन लिया और मैंने एक दूसरा फंक्शन लिया साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब सुनना ध्यान से, ये जो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, दिस विल बी कॉल्ड फंक्शन ऑफ फंक्शन। और ये साइन एक्स क्या है, ये सिर्फ एक फंक्शन है, समझ में आया। सपोज आई गिव यू एन एग्जांपल ई टू द पावर एक्स एंड आई गिव यू एन एग्जांपल ई टू द पावर एक्स क्यूब प्लस 2x2। तो ये जो है, ये है फंक्शन ऑफ फंक्शन और ये है सिर्फ फंक्शन, समझ में आया, ये है सिर्फ फंक्शन। सपोज आई गिव यू एन एग्जांपल साइन ऑफ 2x प्लस 3, इसको आप क्या बोलोगे, ये है फंक्शन ऑफ फंक्शन, समझ में आ रहा है। तो बेसिकली हमें बेसिकली ऐसे फंक्शंस काफी ज्यादा मिलते हैं, जैसे कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, साइन ऑफ 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4 भी हमें फिजिक्स में कम मिलेगा, ये 2x प्लस 3 टाइप के फंक्शन हमें फिजिक्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, और पर्टिकुलरली SHM चैप्टर में, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल के एक चैप्टर है, एक चैप्टर है वेव्स बोल के, एक चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट बोल के, ठीक है, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स है जहां पे हमें ऐसे फंक्शंस देखने को मिलेंगे, किनेमेटिक्स में भी ऐसे फंक्शन देखने को मिलेंगे, तो ये कहलाते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम फिजिक्स के एंगल से पढ़ रहे हैं कि अगर मुझे इन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना हो, सुनना ध्यान से, जैसे कि सपोज इफ आई आस्क यू टू डिफरेंशिएट
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप फटाक से बोलोगे सर आपने बताया रट लो कॉस एक्स है इसका डिफरेंशिएट, बिल्कुल सही। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं प्लीज डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 2x+3, तो आपको 2 मिनट सोचना पड़ेगा, अरे ये क्या हो गया, ऐसा तो सर ने बताया नहीं, अब तो ये एक्स नहीं है ये तो बेटा 2x+3 है। तो आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि ये जो डिफरेंशिएशन के बाद आपको जो फंक्शन मिल रहा है ये एक फंक्शन ऑफ फंक्शन है। तो फंक्शन ऑफ फंक्शंस के डिफरेंशिएशन कैसे किए जाएं, तो इनके लिए एक स्पेशल रूल आता है जिसको जो कहलाता है चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या कहलाता है? चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। सो लेट्स राइट डाउन इन द नेक्स्ट पेज चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब ये होता क्या है मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत सिंपल है, जैसे बोल रहा हूं वैसे करते चलो अपने आप आंसर आता जाएगा। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें, दिस रूल इज यूज टू, लिख लेना, दिस रूल इज यूज टू डिफरेंशिएट फंक्शंस ऑफ फंक्शंस, डिफरेंशिएट फंक्शन ऑफ फंक्शंस। एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपके दिमाग में सेट रहे, जैसे कि कॉस ऑफ 2x+5 e^x²+4 एटसेट्रा, मतलब जो भी हमने बेसिक फंक्शन पढ़ा था ना साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, अब ऐसा सोच लो कि साइन के बाद सिर्फ एक्स नहीं है, वो खुद भी एक कुछ खतरनाक सा फंक्शन है, x²+2 x²+5 x+7 1/x+2x-3 कुछ भी, सो दैट इज व्हाट इज फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो दिस रूल मतलब चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन जो होता है ये हमें हेल्प करता है ऐसे फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने में। अब ये रूल है क्या, सुनो, चेन रूल कैसे वर्क करता है पहले ये समझो। चेन रूल वर्क्स लाइक पीलिंग ऑफ ऑनियन, चेन रूल वर्क्स लाइक पीलिंग ऑफ ऑनियन। आपने कभी प्याज तो छिले होंगे घर पे, कभी तो आपको एक्सपीरियंस रहा होगा प्याज छिलने का घर पे। अगर आपने प्याज छिला है तो आपको पता रहेगा कि प्याज कैसे छिलते हैं, सबसे पहले आउटर लेयर को छीलते हैं निकालेंगे, फिर उसके अंदर के लेयर को निकालेंगे, फिर उसके अंदर के लेयर को निकालेंगे, फिर उसके अंदर के लेयर को निकालेंगे। तो ये होता है प्याज छिलना, राइट, ऐसा कटिंग नहीं बोल रहा हूँ, प्याज के अलग अलग परत को लेयर को सेपरेट करना। तो सबसे पहले हम प्याज के कौन से लेयर को सेपरेट आउट कर सकेंगे, आउटर लेयर, फिर उसके अंदर वाला लेयर, फिर उसके अंदर वाला लेयर, फिर उसके अंदर वाला लेयर, लाइक दिस वी हैव टू मूव फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड, आउटर लेयर टू इनर लेयर हम मूव करते हैं व्हाइल वी आर पीलिंग द ऑनियन। क्या बात समझ में आ रही है? ऐसा ही अप्रोच हम फंक्शन ऑफ फंक्शन के डिफरेंशिएशन के लिए रखेंगे। मतलब सपोज इफ आई हैव टू डिफरेंशिएट, सपोज आई से डी बाय डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 2x+5, मान लो ये हमें डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले आउटर लेयर तो हम क्या करेंगे, ये sin 2x+5 इसको हम ऑनियन की तरह पकड़ेंगे। तो सबसे पहले लॉजिकली सोचो आउटर लेयर में क्या है, आउटर लेयर में है sin ऑफ 2x+5, तो आउटर लेयर में sin है, हमें आउटर लेयर किसका दिख रहा है, sin का दिख रहा है, अच्छा। और इनर लेयर में क्या दिख रहा है, इनर लेयर में हमें दिख रहा है 2x+5। तो इसका कैसे हम इस फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें, तो सबसे पहले हम आउटर लेयर का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद हम इनर लेयर का डिफरेंशिएशन करेंगे, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन साइन के साथ कनेक्ट कर देंगे। आइए, तो अगर मैं d by dx ऑफ साइन ऑफ 2x+5 कर रहा हूं, तो इसका यू नो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा cos ऑफ 2x+5, ध्यान से देखिएगा, बस साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे अंदर का नहीं करेंगे, बिकॉज हम पील कर रहे हैं तो आउटर लेयर पील कर रहे हैं, तो साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली cos ऑफ 2x+5 लिख दो। अब उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करेंगे 2x+5 का,
तो 2x plus 5 का डिफरेंशिएशन हमने करना आता है, इसका डिविजन कैसे करेंगे, यहाँ पे हम पहले सम और डिफरेंस रूल लगाएंगे, फिर प्रोडक्ट, फिर कांस्टेंट मल्टीपल रूल लगाएंगे एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट जीरो लगाएंगे, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 2 आएगा क्या, और इन दोनों के बीच में क्या साइन कनेक्ट कर दें, मल्टीप्लीकेशन साइन, तो इसका जो रिजल्ट आएगा ये रिजल्ट आएगा 2 टाइम्स कॉस ऑफ 2x प्लस 5, क्या मेरी बात समझ में आई है, दिस इज व्हाट इज द रिजल्ट दैट वी आर हैविंग, 2 टाइम्स कॉस ऑफ 2x प्लस 5, क्या क्लैरिटी आई है, बोलो हाँ या ना, बोलो क्या क्लैरिटी है, बोलो क्या क्लैरिटी है, सो d बाय dx ऑफ sin ऑफ 2x प्लस 5 इज cos ऑफ 2x प्लस 5, d बाय dx ऑफ 2x प्लस 5 इज 2, तो 2 into cos ऑफ 2x प्लस 5 इज व्हाट इज योर आंसर, क्या क्लैरिटी है ये, क्या आपको ये रूल समझ में आया, हम और एग्जांपल करेंगे आपके को क्लैरिटी आएगी, क्या क्लैरिटी है ये, गायब, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, फंक्शन ऑफ फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए, फंक्शन ऑफ फंक्शन मतलब क्या समझे, साइन एक्स ये क्या है, साइन एक्स ये क्या है, ये एक फंक्शन है, लेकिन साइन ऑफ 2x प्लस 5 क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन, समझ में आया, जैसे कि देखो आप साइन एक्स में भी सोच सकते हो, फील करना, सपोज कोई बोले ऐसा सोचना है, अच्छा सर ने जो बोला है इसको साइन एक्स पे लगा के देखते हैं, तो साइन एक्स के दो लेयर, पहला लेयर है साइन एक्स, दूसरा लेयर है एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट d बाई डी एक्स साइन एक्स का 1 इंटू कॉस एक्स, क्या कॉस एक्स ही आया, तो एक बच्चे को चमकेगा, अरे यार हाँ यार बात तो सही बोले उन्होंने, मतलब ये जो चेन रूल वाला सर ने प्रोसेस बोला है उसको मैं बेसिक का भी देख करके देख सकता हूं और मुझे मेरे को रिजल्ट सेम मिल रहा है, तो क्यों ना बेसिक ऐसा सोचा जाए कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, लाइक ऑनियन के डिफरेंट लेयर्स होते हैं, पहला आउटर लेयर का डिफरेंस करेंगे, फिर इनर लेयर का करेंगे, फिर उसके इनर भी कोई लेयर है तो उसका करेंगे, ऐसा लाइक दैट सबका करेंगे और फिर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने आप आंसर आएगा, बोल चमका कि नहीं, गायब हो गया भाई, सब गायब हो गए, Somebody has raised a hand and somebody has put up the hand down again. क्या चमका है यार, बोलना पड़ेगा यार, मुझे लग रहा मैंने बहुत ही सन्नाटे में ले आया तुम लोगों को, क्या क्लैरिटी है, नहीं आया समझ, अच्छा एक और एग्जाम्पल, हो जाएगा सर, हो जाएगा, हो जाएगा सर, प्लीज गिव अस सम टाइम सर, यस सर, एक सेकेंड, सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज इफ आई आस्क यू टू डू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, सपोज इफ आई आस्क यू टू डू दिस, ठीक, क्या आप ये कर सकते हो, इट टेक्स टाइम टू टाइप, यस आई अंडरस्टैंड, क्या आप ये कर सकते हो, करो, कितने लेयर्स हैं, ये है आपका ऑनियन, ये पूरा ऑनियन है आपका, बोलो लेयर कितने हैं ऑनियन के, एक लेयर है कॉस वाला एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, और दूसरा जो लेयर है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, तो हम कैसे निकालेंगे इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, सबसे पहले आउटर लेयर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, सिर्फ याद रखना मैं आउटर लेयर का डिफरेंस कर रहा हूं तो सिर्फ कॉस का डिफरेंस कर रहा हूं, तो कॉस का डिफरेंस होता है माइनस साइन, अंदर कुछ भी हो जाए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कॉस का डिफरेंस क्या होता है भाई, माइनस साइन, खत्म, क्या क्लैरिटी आई है, क्या बात समझ में आई है, अब इनर लेयर में क्या आया, इनर लेयर में ये आया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉजिकली सोच, इसका डिफरेंशिएशन में सम रूल और सम रूल एंड पावर रूल, कांस्टेंट मल्टीपल रूल, डिफरेंशिएशन फॉर कांस्टेंट इक्वल 0 सारे आ जाएंगे, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 2x plus 4, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा माइनस ऑफ 2x plus 4 into sin of x square, खत्म, क्या क्लैरिटी है ये, एवरीवन टेल मी, डिड यू गेट दिस, यस और नो, क्या क्लैरिटी है ये, क्या सबको समझ में आई बात, पक्का, आ जाओ एक और सवाल करो, सपोज आई गिव यू, समझ में आया ना, सिंपल है ना,
कोई खास बात नहीं है, राइट? लेट अस गिव, लेट मी गिव यू डी बाई डी जेड ऑफ ln of x square, sorry, z square minus 2z plus 4. बता देखो, ये सब ऐसे बिना रीजन के पढ़ाया नहीं जा रहा, ये सबका काम आएगा। ये सब बिना सीखे फिजिक्स में कूदोगे, जितने पेस से भागोगे उससे डबल पेस से वापस भी आ जाओगे, क्योंकि होगा नहीं। और आपको ये बात पहले लेक्चर में ही समझ में आ जाएगी फिजिक्स के, जब किनेमेटिक्स स्टार्ट होगा। अभी सिर्फ मैं आपको फील करा रहा हूं कि क्या क्या चीजें हैं जो मैथमेटिकली हमें समझ में आना चाहिए। अब ये जो भी चीजें हैं ये सब मैकेनिक्स है, मैकेनिकल अप्रोच है ये, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस इसके बाद आएगा, एक बार आपको मैकेनिकल हैंडलिंग करना आ जाता, अब मैं आपको सिखाऊंगा कि इसका यूज कैसे है ग्राफिंग में, इसका यूज कैसे है किसी चीज की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालने में, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। और आपको वो मैथमेटिकली में मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि हाँ यार बात तो सही बोल रहे हैं। ठीक है, आइए ln of z square minus 2z plus 4, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें, हमारे पास दो लेयर है, आउटर लेयर में है ln, ये तो मैं लिख रहा हूं बट आउटर लेयर में ln है, और इनर लेयर में क्या है भाई, इनर लेयर में है z square minus 2z plus 4। तो अगर मैं आउटर लेयर का डिफरेंशिएशन करूं तो ये आ जाएगा 1 अपॉन z square minus 2z plus 4। ln का डिफरेंशिएशन होता है क्या, याद करो ln z का डिफरेंशिएशन क्या था, 1 अपॉन z, क्या बात समझ में आई है? और ये जो पार्ट है, ये पार्ट का डिफरेंशिएशन नेक्स्ट करेंगे विच विल बी 2z minus 2, चमका है क्या? अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका जो रिजल्ट है वो है 2z minus 2 divided by z square minus 2z plus 4. This is what is your result. z square minus 2z plus 4. This is what is your result. क्या आपको समझ में आया? क्या सब लोग मेरी बात समझ पाए? Yes. क्या क्लैरिटी है ये? z square minus 2z plus 4 नीचे और 2z minus 2 ऊपर। क्या मेरी बात समझ में आई है? Everyone, did you understand this? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब लॉजिकली समझो। यस सर, समझ में आई ना यार? कोई खास बात नहीं है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुन अभी, d by dx of This is a nice question. करो इसका differentiation. सबसे पहले तो ये पता करो कि इस onion में बेटा कितने layers हैं? पहले इसका जवाब दे दो. Solve मत करो, मुझे बताओ इस onion के कितने layer हैं? ये बता दो, मुझे समझ में आ जाएगा कि आप सही करोगे या गलत करोगे. सही सोच के बताओ तो इस onion के कितने layer हैं? जिसका जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दे दो, मुझे समझ में आ जाएगा आप कर लोगे. कितने layers हैं इस onion के? तीन लेयर. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. अब आप सॉल्व करो, तीन लेयर है इस ऑनियन के, बिल्कुल सही. ये जिसको समझ में आ गया तीन लेयर है उसका सवाल सही आएगा. अब एकदम तमीज से सॉल्व करना, गड़बड़ी मत करना, करो सॉल्व, करो सॉल्व. बोलो होनहारो, बताओ तीन लेयर हैं इस ऑनियन के, सबको चमका है ना भाई?
यार तुम लोग सन्नाटे में दे रहे हो जवाब बॉस, मेरे को बहुत डर लग रहा है अभी। क्या मैं पढ़ाऊं या छोड़ दूं आपको आज के लिए? यार बोलना पड़ेगा यार। साइन ऑफ समथिंग है ये, ई टू द पावर समथिंग है, और लास्ट में एक्स स्क्वायर प्लस फोर है। ई टू द पावर समथिंग में लिख देता हूँ एक्स प्लस फोर, और ये है ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस फोर। अब हर लेयर का डिफरेंशिएशन सेपरेटली हमें करना है। याद रखना, साइन ऑफ जब मैं कुछ करूं तो इसका रिजल्ट आ जाएगा कॉस ऑफ कुछ। कुछ को टच नहीं करना है। साइन ऑफ कुछ का डिफरेंशिएशन इज कॉस ऑफ कुछ। कुछ रहेगा, कुछ रहेगा, कुछ को कुछ नहीं करना है। कुछ को कुछ नहीं करना है। क्या बात समझ में आई है? ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस फोर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस फोर ही होगा। अब आते हैं एक्स स्क्वायर प्लस फोर पे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा जी? टू एक्स। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा जी? टू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस फोर इंटू कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस फोर। क्या मेरी बात समझ में आई है? दिस इज व्हाट यू विल गेट। क्या क्लैरिटी है, क्या क्लैरिटी है? ध्यान से देखो, क्या सबका आंसर ये आया है? टू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस फोर इंटू कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस फोर। क्या ये सबका आंसर आया है? बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बोलो। ठीक है, सबका ये आया क्या? तो ऐसे आपको सवाल मिल सकते हैं और आपको इन सवालों का आंसर देना पड़ेगा। एक और सवाल करो और मुझे यकीन दिला दो कि आपको आ गया है। सपोज इफ आई आस्क यू टू डू डी बाई डी जेड ऑफ, सुनना ध्यान से, एल एन ऑफ साइन ऑफ जेड स्क्वायर प्लस थ्री, इसका करो तो। सब लोग करोगे? क्या आ रहा है पहले बोलो। आ गया आंसर? क्या आएगा बोलो। देखो कितने लेयर हैं। पहला लेयर है एल एन, दूसरा लेयर है साइन, तीसरा लेयर है जेड स्क्वायर प्लस थ्री। तो क्या आ जाएगा एल एन? क्या ये आ जाएगा वन अपॉन साइन ऑफ जेड स्क्वायर प्लस थ्री? मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, इनटू साइन का आ जाएगा कॉस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस थ्री, और लास्ट में आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस थ्री का डिफरेंशिएशन, वो आ जाएगा टू जेड। तो क्या आपका रिजल्ट आ जाएगा? टू जेड इंटू कॉस ऑफ जेड स्क्वायर साइन स्क्वायर, इट इज कॉट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस थ्री। ये आएगा दोस्त, यस और नो? बिल्कुल सही। क्या क्लैरिटी है सबको? सबको क्लैरिटी है? टू जेड इंटू कॉट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस थ्री। क्या आपको चेन रूल समझ में आया? बहुत काम आता है चेन रूल, बहुत ज्यादा फिजिक्स में, बहुत ज्यादा काम में आएगा। क्या चेन रूल की क्लैरिटी हुई, यस और नो? तो आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करूंगा गाइस। चलो, सो विल मीट ऑन मंडे। तब तक आप पुराने लेक्चर्स की रिविजन एक बार अगर कर सके तो कर लीजिए। चलिए, बाय, टेक केयर।